संतान था और उसकी पत्नी थी। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था, उसी दिन अचानक ये क्या है? घड़ा? खोलकर देखो इसके अंदर क्या है। ये क्या? इतना मोहर? इतने दिन से हम बहुत गरीब थे और आज इतना मोहर मिल गया मुझे। अब हमारे दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन मेरी पत्नी, उससे तो कोई बात नहीं पचती। सबसे बोलेगी और राजा सुन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। फिर से हम गरीब हो जाएंगे। अगर इसे बाहर रखूंगा तो कोई चोरी कर लेगा, और घर में रखूंगा तो पत्नी सबको बोल देगी। क्या करूं? एक रास्ता है, जा रहा हूं वही करता हूं। बस काम हो गया। उधर जाल में खरगोश फंसा है। पानी में डाल दिया इसे, अब घर चलता हूँ। सुनती हो सुंदरी? वो सुंदरी, क्या हुआ जी? जानती हो पंडित जी से एक बात सुना हूँ। क्या बात सुने हैं? आज पंडित जी बोले हैं, मछली लटकती है पेड़ पर, पानी में खरगोश नाचे, गुप्त धन मिलेगा तुम्हें ढूंढने से आसपास में। क्या आप बोल रहे हैं आप? हाँ सच में जो पंडित जी बोलते हैं सच होता है। जाइए जाइए, बकवास ना करके काम कीजिए। ठीक है, जा रहा हूँ। सुंदरी जल्दी चलो, एक घड़ा मुहर मिला है मुझे। क्या? चलिए चलिए, जल्दी चलिए चलिए। दोनों जल्दी जल्दी गए उस पेड़ के नीचे मोहर लाने। उसी वक्त अचानक, हाँ, उस पेड़ के डाल पर कुछ चमक रहा है। रुको देखता हूँ। ये क्या, पेड़ के डाल पर मछली? ये कैसे जी? आओ नदी में जाल डाला था, चल के देखते हैं। ये क्या, जाल में खरगोश? ऐसे कैसे? क्यों, पंडित जी के बातें विश्वास करोगी ना? लो लो अब चलो मोहर लेके घर चलते हैं। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी मोहर लेके घर गए। कितना सारा मोहर, मैं बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगी, गहना बनाऊंगी, रोज रोज मिठाई बिरयानी खाऊंगी। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन उस किसान की पत्नी के पेट में कोई बात नहीं पचता था। वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दी मोहर के बारे में। धीरे धीरे राजा के कान तक भी पहुंच गया और राजा चासी को बुला के बोला, ये क्या महाराज, आप तो जानते हैं मेरी पत्नी का दिमाग ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ बकती रहती है। महाराज सुना हूँ कि तुम मोहर पाके छुपा के रखे हो और अपनी पत्नी को झूठी बोलते हो। कौन सा मोहर, कब मिला, कहाँ मिला, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। उस दिन का बात, जब पेड़ के डाल पर मछली था और खरगोश पानी में फंसा जाल में, उस दिन का बात।
इस पागल को लेकर घर जाओ। सुनो, दोबारा कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगी तो सजा दे दूंगा। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी घर वापस चले गए। राजा की सजा के डर से किसान की पत्नी मोहर के बारे में किसी को नहीं बोली। आदा होता आदा बोला। भोदू को तो मैंने बहुत दिन से तंग नहीं किया है, अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारा जीवन भर याद रखेगा। अरे उसको क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको भेष बदल कर सबक अच्छे से सिखाना होगा, ताकि हम पे शक भी ना करे कि ये काम मैंने किया है। अरे वही तो भोदू इधर ही आ रहा है लगता है कि। अरे यार, उस बुढ़ा इंसान ठेला को कैसे ठेड़ कर लेते लेते जा रहा है। ओह, लगता है इसका कोई आगे पीछे देखने वाला भी नहीं है। भूखा होगा लगता है कि। अरे बेटा, थोड़ा मेरा हेल्प कर दो ना। ठेला को हमारा हाथ लगा दो, ताकि हम ठेला को लेके चले जाए। बेटा मदद करो बेटा हमारा। आगे जरूर मदद करेंगे दादा हम आपका। बोलिए कहाँ लेके जाना है इस ठेला को, बताइए हमें। ये गेहूं के बस्ता को पहले ठेले के ऊपर रख देते हैं, तभी ठीक रहे। अरे जा, मेरा तो सारा गेहूं भुइया गिर गया। अरे मेरा ठेला गया कहाँ आखिर, ठेला तो हमने यही रखा था। अरे यार किसने लेके चला गया। ओ तो ये तेरा काम है बेटा, अभी हम तुमको इनाम देंगे। तुम ठेला लेकर आया है तो बहुत बड़ा इनाम देंगे हम तुमको, 1 लात मारेंगे तुमको अभी हम। ये ले। अरे बाप रे बाप, मैंने इनको समझाने से पहले, कुछ बोलने से पहले हमको 1 लात मार दिए। छी 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 छी, कैसा आदमी है। अरे भोदू देखो मैं हादा हूँ, मैंने ही तुमको बुद्धू बनाया हूँ। मैंने तो भेष बदल लिया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। अब जाकर घर जाकर दवाई लगा लेना, नहीं तो कल तुमको और बुद्धू बनाऊंगा भोदू। अरे बदमाश। बोलो कैसा लग रहा है भोदू, बोलो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे बाप, ओए बाबा। अने दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीता। अने मैं अंडा हूँ, थोड़ा पार कर दो भाई। अने दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीता नाम। दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीता। अने कोई है जो इस अंडा को पार कर दे। अने दे दो 1 रुपया 2 रुपया ऊपर वाले के नाम पे, इस अंधा गरीब को भाई, आप सब लोगों का भला होगा भाई। अने भाई लोग मुझे पार कर दो, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे सचमुच अंधा है क्या, या तो लगता है फिर मैं बुद्धू बन सकता हूँ क्या। कोई दे दो इस गरीब को, भूखा है। अने भाई लोग कुछ ध्यान दीजिए हम पे, मैं अंधा हूँ गरीब हूँ। अने कौन दिशा में चल रे, भिक्षा मांगने रे भाई लोग। अरे लगता है सचमुच अंधा है, खैर कोई बात नहीं, मैं चल कर इसका हेल्प कर देता हूँ मैं। आए
अरे आइए आइए, मैं आपको पार कर देता हूँ। आइए आइए, थोड़ा यहाँ से बाएं आइए, नहीं नहीं थोड़ा सा और दाएं जाइए। हाँ हाँ, ठीक तो आराम आराम आराम, सही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा दाएं चपिए, बाएं। भगवान तुमको भला करे बेटा, नाम रे राम दिला दे दो चार पैसा रे राम, गरीब गुरबा को राम। अगर उसको हम हेल्प नहीं करते तो हमको बहुत बड़ा पाप लग जाता। चलो इस बार हाथों को ढूंढते हैं उसको, जब तक अच्छा सबक नहीं सिखाएंगे हमको चैन का नींद नहीं आएगा। अरे लगता है नया बैठा है, जाकर सामने से उसको देखता हूँ। अरे तो जिंदा इंसान है, पगड़ी वाला मोछ दाढ़ी लगाया हुआ है। अरे ये कहीं हाडा नहीं ना है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, क्योंकि हाडा ही ऐसा काम कर सकता है। अरे जानबूझकर पैसा फेंक कर देखता हूँ कि पैसा ये उठाता है कि नहीं। इस पैसे को मैंने देखा है, लगता है पैसा मेरा ही है। अरे हड्डा, मैं समझ गया था कि भेष बदल कर तुम ही यहाँ पे खड़ा है। तुमको मैं टेस्ट करने के लिए पैसा यहाँ पे फेंका था। ओ तो तुम्हारा इस बार लकी पूरा पकड़ा गया। अरे इस बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे भोदू, तुम मुझे इस बार क्या पकड़ोगे, भगवान राम तक भी नहीं पकड़ पाएंगे। ए बूढ़ी ए बूढ़ी, तुम रास्ते से साइड से हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। क्या बोला तुमने? मैं तो कुछ नहीं बोला। मेरे साथ बदतमीज किए हो, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत। अरे बोलो तो कुछ बोलना। अरे तुम बोलो कुछ बोलना, कुछ बोलना बोलो। अरे बाप रे बाप, अरे बोलो तुम कुछ बोलना है, बोलो कुछ बोलना तुम। अरे इस बार के लिए मुझे माफ कर दे, मैं अब ऐसा कभी काम नहीं करूंगा, इस बार के लिए प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना। अरे ये तो सीआईटी गोविंद ठाकुर है, लगता है इसी के हाथे हाडा पड़ गया है। अच्छा हुआ इसके हाथ से पिटाई खा गया, हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे हाडा, तुमसे बहुत अच्छा भेष लिया है। अरे तुमको अभी इस वक्त कोई नहीं पहचान पाएगा हाडा, कि ये तुम हाडा हो। अरे भोदू, इस बार बहुत ज्यादा मार खा गया, अब कभी जीवन में कभी मैं भेष भूषा नहीं बदलूंगा भोदू। बहुत दर्द कर रहा है भोदू, कभी जीवन में ऐसे कभी शरारत नहीं करूंगा भोदू, कभी भेष भूषा नहीं बदलूंगा। अरे यार दोस्त लोग, तुम लोग भी तो कुछ बोलो ताकि मैं कुछ सुनूं। सैंडविच में मिर्ची खिला के हम लोगों को अच्छा सबक सिखाया, जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मैं बदला लेकर रहूँगा। मुझे भी तो यही टेंशन रहता है कि डिक और पुशी को कैसे भी सबक सिखाना है। चलो मेला घूम कर आते हैं, चलो चलो। ठीक बोल रहे हो, चलो मेला ही घूम के आते हैं। जादुई बंदूक ले जाओ, जादुई बंदूक ले जाओ। जादू वाला बंदूक, ये क्या है, चल जाकर देखते हैं। खिलौने वाले जादू वाला पिस्टल दिखाओ जरा मुझे। सच में इस जादू वाले पिस्तौल में जादू है। अरे अरे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुन सुन
सुन मेरी बात। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। चल जल्दी चल, सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। चल 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 चल। पुसी, तू लड़ सकता है बंदूक से? हाँ हाँ आता है, लेकिन बंदूक रहेगा तब ना। बंदूक मेरे पास है। ए, 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 ले 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 ए, तेरा है और ए, 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 मेरा है। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार है तो? तैयार हूँ। 1 2 3 ले जा। चल चल चल, भागते हैं यहाँ से, भाग। ये क्या, ये तो तेरी बेइज्जती कर दिया। अब क्या करेगा तू? मौका मिलेगा तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। वो देखो, लुशी और डॉम आ रहे हैं इधर ही। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। ओए ओए ओए, मेरे केले क्यों ले लिया? हाँ रखो रखो, हाथ मत लगाओ मेरे केले में, ठीक है? रखो 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 रखो। खाऊंगा इसलिए। पहले पैसे दो फिर केले खाओ। रुको ना, दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा दो फिर केला खाओ, समझे? रखो केला रखो। हाँ ठीक है, ये लो। शैतान बदमाश, मेरा मेरा फल वाला थैला तोड़ दिया है तूने। हाँ मेरा नुकसान कर दिया है तू। कौन नुकसान भरेगा? हाँ रुक रुक रुक। मैराथन के दौड़ में जो प्रतियोगिता हो रहा है, इसको देख के तो लग रहा है कि एथेंस से पहले नहीं रुकेंगे सब। पल फाड़, ये है गोपल फाड़। देखिए, आज पूर्णिमा है, आकाश में कितना सुंदर पूर्ण चंद्रोदय हुआ है। इसके अलावा 2-1 तारे चमक रहे हैं। अच्छा सेनापति, क्या आप बता सकते हैं आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं इस समय? कैसे बोल सकता हूँ महाराज, मैं क्या ज्योतिषी हूँ? गोपाल, क्या तुम बता सकते हो? जरूर बोल सकूंगा। गोपाल तो बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? सावधान, गलत होने पर कठिन दंड मिलेगा। ठीक है ठीक है। सुनिए महाराज, बगीचे का इमली के पेड़ को देख पा रहे हैं? हाँ। उस इमली के पेड़ का जितना पत्ता है, उन पत्तों के साथ 1001 जोड़कर जितना जोड़फल होगा, वही आसमान के तारों की संख्या होगी। तुम्हारी बात सही है या गलत, कैसे पता चलेगा? विश्वास ना हो तो आसमान के 1-1 तारा गिनकर उस जोग फल से जोड़कर देखना, मेरी बात सच है कि नहीं? हाँ, तब तो हो गया। इतने बड़े विशाल वृक्ष इमली के पत्तों को गिनते गिनते तो युगो बीत जाएंगे। उतने समय में पेड़ और बड़ा हो जाएगा और नए नए पत्ते आएंगे। पुराने पत्ते तो गिर जाएंगे। उसी तरह आसमान के पुराने तारे गिर जाएंगे और नए तारे निकल आएंगे। चुप रहो गोपाल, तुमसे पूछना ही गलत हो गया है। जाने दो, गलती मान रहे हो ना? सचमुच गोपाल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। बस अब तो हमारे महाराज खुश होकर
तुम्हें बहुत सारे पुरस्कार देंगे। नहीं नहीं, पुरस्कार अभी नहीं, कल मैं राज्यसभा में दूंगा। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ, संध्या होने वाली है। ठीक है, आओ। गबूचंद, क्या सोच रहे हो? कल फिर गोपाल पुरस्कार पाने वाला है। चिंता नहीं करनी होगी, कल बेटियों को ऐसी जाल में फंसाऊंगा ना कि देखना। पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसके बदले में धक्का मार कर निकाला जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, 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 जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी। बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण करिए। महाराज, आप बोलते हैं गोपाल बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन मैं अभी एक ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर गोपाल नहीं दे पाएगा। तो बताओ गोपाल, हमारे महाराज कृष्णचंद्र और देवराज इंद्र में क्या अंतर है? अरे यह तो बहुत ही समस्या की बात है। आज मैं सही उत्तर दिया तो देवराज इंद्र गुस्सा होंगे, अगर गलत उत्तर दूंगा तो महाराज गुस्सा होंगे। मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब? क्योंकि महाराज देवराज इंद्र को कोई नहीं देखा है, इसलिए उन्हें सब बड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत में बड़े तो आप हैं। शेष बात यह है कि सृष्टिकर्ता आप दोनों को एक ही तराजू में तौले थे, आपका वजन ज्यादा था इसलिए आप नीचे आ गए, और देवराज इंद्र हल्के थे इसलिए वह ऊपर आसमान में चले गए, तभी हम लोग आपको बड़ा मानते हैं। तुम्हारे पास जो विलक्षण बुद्धि है उसकी तुलना नहीं है। यह लो अपना पुरस्कार, रक्त प्रवाल की माला है। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो।